हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे हाउ परफॉर्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैसे कंफर्म हुई। देखो, बहुत ही डिफरेंट वे से कंफर्मेशन हुई है, तो इसलिए सोचा कि एक पूरा फुल वीडियो बना दिया जाए इसके ऊपर, क्योंकि मैं स्पाइडर यूनिवर्स का बहुत बड़ा फैन हूं और आने वाले फ्यूचर में स्पाइडर वर्स का बहुत बड़ा फ्यूचर भी है। तो आपको ये वीडियो का देखना, अगर आप एंड्रू गारफील्ड के फैन हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के बारे में आज हम जो टॉपिक खोल के बैठे हुए हैं, इसको सबसे पहले मैं थैंक्स अ लॉट बोलना चाहूंगा स्पाइडरमैन नो वे होम के लिए, क्योंकि स्पाइडरमैन नो वे होम की बदौलत ही आज हम इस मूवी के बारे में बात कर पा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में बात कर पा रहे हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम के भी हाल ही में राइटर्स का इंटरव्यू हुआ कॉमिक बुक में, जिसमें कि उन्होंने रिवील करा कि हमारी ड्राफ्ट में पड़ी है पोस्ट क्रेडिट सीन। जी हां, उन्होंने एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैकफॉय का पोस्ट क्रेडिट सीन लिखा था, जी हां, बट वो कैंसिल कर दिया। किसने कैंसिल करा? ये एक्चुअली में कैंसिल करा सोनी वालों ने। जी हाँ, इन सालों को कंपनियों को सिर्फ पैसा कमाना है और इस चक्कर में इन्होंने पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डाला, क्योंकि हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। तो फोकस इनको सिर्फ स्पाइडरमैन नो वे होम पे करना था, और देन सभी जानते हैं कि सोनी के पास अब राइट वापस आ चुके हैं, पर सोनी ने जानबूझकर ये पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डाला एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैकफॉय का, उन्होंने डाल दिया डॉक्टर स्ट्रेंज का, और देन इसमें हमारे केविन फाइगे का भी हाथ था। तो फाइनली सोनी वालों ने जब ये डिसाइड कर लिया कि भाई ये पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं डालना है, और जबकि ऑलरेडी ऐसा ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है जो कि राइटर्स उनकी कंफर्म करते हैं, तो भाई ये तो चीज गलत थी। और देन अगर वो डाल भी देते पोस्ट क्रेडिट सीन तो फैंस पागल हो जाते, हाइप क्रिएट हो जाती, और देन इतनी जल्दी टॉबी मैकफॉय के ऊपर एक मूवी बनाना या एंड्रू गारफील्ड के ऊपर मूवी बनाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, समझो इस बात को। तो फाइनली जॉन वॉट, जो कि स्पाइडरमैन नो वे होम जिन्होंने डायरेक्ट करी है, और देन स्पाइडरमैन का जो यूनिवर्स है जो कि आजकल सोनी अपनी मर्जी चला रहा है, इसमें सबका हाथ है, भाई जॉन वॉट का और एमसीयू का, जिन्होंने स्पाइडरमैन को इस लेवल पे खड़ा करा और नो वे होम मूवी बनाकर आज एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैकफॉय को इज्जत वापस मिली, और इनके ऊपर मूवी बनने की काफी सारी संभावना है, जिसमें कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन ऑलरेडी कंफर्म है ही है। और वो कैसे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन कैंसिल हुए टॉबी और एंड्रू गारफील्ड के, और देन मूवी सक्सेसफुल हो गई, जॉन वॉट ने बहुत ही बढ़िया मूवी हमें बना के दी, तुरंत ही केविन फाइगे और एमी पास्कल का दोनों का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें कि एमी पास्कल ने भी कंफर्म कर दिया कि स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद आपको 3 मूवी और देखने को मिलेंगी। वो चाहती है कि सोनी यूनिवर्स में भी टॉम हॉलैंड को लेकर हम 3 मूवीज और बनाएंगे, जो कि एक डिफरेंट स्पाइडरमैन होगा। पर ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अब तक स्पाइडरमैन मूवी सभी ने देख ली होगी नो वे होम, और देन हमने उसमें एंडिंग में देखा कि सब स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को भूल चुके हैं एमसीयू वाले को। तो 3 मूवी जो ट्रिलॉजी आएंगी वो इसी बेस पर आएंगी कि वो कॉलेज में जा चुका है पर उसको कोई जानता नहीं है। पीटर पार्कर कौन है, उसकी आंटी में भी मर चुकी है, देन अंकल बेन भी नहीं है, देन उसके साथ उसकी रियल मॉम भी नहीं है पीटर पार्कर की, और देन अगर टोनी स्टार्क, आयरन मैन, हैपी हॉगन वगैरह जितने भी कैरेक्टर हैं सब पीटर पार्कर को भूल चुके हैं। तो इजीली सोनी यूनिवर्स में इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जा सकता है टॉम हॉलैंड को, ये आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पर एमी पास्कल ने तुरंत ही क्लियर कर दिया कि 3 मूवी जो आएंगी, जिसमें कि स्पाइडरमैन 4 एक्टिव डेवलपमेंट में है सोनी और एमसीयू के अंडर, देन उसी के साथ यहां से सोनी का स्पाइडरमैन और एंड्रू गारफील्ड जो इनके पुराने स्पाइडरमैन है उन पे भी अलग से काम चलेगा, बट उन्होंने एमसीयू को स्पाइडरमैन उठाकर डाल दिया अपने यूनिवर्स में, जिसमें कि वेनम 1-2, देन अमेजिंग स्पाइडरमैन 1-2 ऑलरेडी है, मॉर्बियस भी है, सिनिस्टर 6 भी है, स्पाइडर ग्वेन भी है, और एरोवर्स भी है जो कि आने वाली स्पाइडर वर्स मूवी है, उसका नाम चेंज कर दिया, जो कि 2 पार्ट में रिलीज होगी। तो उन्होंने टॉम हॉलैंड वाले को भी डाल दिया, पर यहाँ पे एमी पास्कल ने कंफर्म कर दिया कि जो टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन है वो एमसीयू से भी कनेक्ट रहेगा और सोनी यूनिवर्स में भी रहेगा, यानी कि दोनों के बीच। तो बहुत ही ज्यादा मतलब कंफ्यूजन सब पैदा कर दिया उन्होंने, पर ये इजीली वो बहुत तरीके से अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, क्योंकि टॉम हॉलैंड को कोई जानता नहीं है पीटर पार्कर को एमसीयू यूनिवर्स में, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बट अब यहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम रिलीज हो चुकी है, और देन फैंस के मन में ये आ गया कि द एंड्रू गारफील्ड के ऊपर तो मूवी बननी चाहिए, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वो डिजर्व करते हैं, और देन जो हमने सीन देखे थे वो कूदते हैं और देन एमजे को पकड़ते हैं, वो सीन बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तो यहाँ पर हमारे जो एंड्रू गारफील्ड के स्टंटमैन है, यानी कि उनका स्पेंसर नाम है, ठीक है, स्पेंसर नाम है, कुछ ऐसे तरीके से दिखते हैं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, स्पेंसर ने भाई साहब कंफर्म कर दिया कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 बनेगी। अब कैसे कंफर्म करा, देखो यहाँ पर एक बंदा लिखता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ट्विटर पर, के कॉन्ग्रेचुलेशन द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कॉल बैक, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे नहीं है, हमारे स्पेंसर फाइनली रिप्लाई देते हैं, थैंक यू सो मच।
अब उसी के साथ भाई अब केविन फाइगी का तो बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 में भी और सोनी यूनिवर्स में भी, क्योंकि वो उन्होंने जो टॉम हॉलैंड को लेकर स्पाइडरमैन मूवी बनाई है वो बहुत अच्छा पिरामिड उन्होंने स्टेबल कर दिया है, तो वो खराब नहीं करना चाहते। तो भाई द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी बन रही है और स्पेंसर ने ऐसा कुछ बोल दिया तो भैया केविन फाइगी ने अपनी बंदूक लोड करी और एफबीआई को भेज दिया घर पे, और कुछ ऐसा सीन हुआ होगा। अब ये तो रही मजाक वाली बात, तो तुरंत ही स्पेंसर को मेल के थ्रू एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट करो। तो भाई साहब उस ट्विटर को लेके स्पेंसर भाई साहब ये डाल देते हैं, इसका फुल एचडी मैं आपको अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, पढ़ लेना। इसमें क्लियर ये लिखा हुआ है, स्क्रिप्टेड नजर आ रहा पूरा का पूरा, कि आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने तो सिर्फ थैंक्स उनको बोला है या इनको बोला है, ऐसी बकचोदी करी है स्पेंसर ने, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि स्पेंसर इतना बड़ा चूतिया होगा, ठीक है, तो जो ऐसी बोल देगा थैंक यू सो मच। तो भैया यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 आएगी, पर अभी हाल फिलहाल में नहीं आएगी, क्योंकि भाई इसको बनाना और आगे सोनी की काफी सारी मूवीज हैं, देन उसके बाद वो स्पाइडरमैन 3 लाएंगे तो अभी तो हाइप तो क्रिएट होगी। तो अराउंड मेरे हिसाब से 24-25 तो मान के चलो, क्योंकि टॉम हॉलैंड की मूवी भी कम से कम 2030 के दिसंबर में या 24 के स्टार्टिंग में भी रिलीज होगी। अभी हाल फिलहाल डेट कंफर्म नहीं है, पर मेरी जो मुझे उम्मीद लग रही है, मेरी प्रेडिक्शन है वो। अब मैं उन मान लोगों के बारे में बात करना चाहूंगा जिन्होंने काफी कुछ पहले कन्फर्म कर दिया था और वो फाइनली आज हमने देख ली है। तो सबसे पहले जिमी फॉक्स, जिनको स्पाइडरमैन नो वे होम में साइन करा, और देन उन्होंने एक पोस्ट डाल दिया जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें कि उन्होंने रिवील्ड करा कि वो तीनों स्पाइडरमैन से एक साथ लड़ेंगे और मल्टीवर्स कन्फर्म है। जी हाँ, तो काफी लोगों ने फेक बताया कि ये फेक है, जिमी फॉक्स ने ऐसी डाल दिया, पर आज हैपनिंग 16 दिसंबर को सभी ने देखा कि स्पाइडरमैन नो वे होम में क्या हुआ, ठीक है। देन उसी के बाद हमारे टॉम हार्डी भैया, उनको भी कुछ देखा होगा, उन्होंने भी कुछ सुना होगा, उनकी भी कुछ मीटिंग होंगी सोनी और एमसीयू के साथ, उन्होंने भी एक स्टोरी डाल दी, उन्होंने यानी वेनम को ईट करते दिखाया स्पाइडरमैन को, और फाइनली हमें क्या देखने को मिला, वेनम 2 में एक पोस्ट क्रेडिट सीन जिसमें कि वेनम टॉम हॉलैंड को चाटते हुए नजर आ रहा है, जी हाँ, जो कि एमसीयू का स्पाइडरमैन था, ठीक है, पर अब वो सोनी के अंडर आ चुका है, तो यानी कि भाई आगे कुछ ना कुछ हमें दिखने वाला है, और आप देख सकते हैं कितना गंदी तरीके से वेनम स्पाइडरमैन को खा रहा है। देन उसी के साथ जो अगला क्लू था कि टॉम हार्डी की भाई साहब एक यानी केविन फाइगी के साथ इमेज लीक हो गई, जिसमें कि वो स्पाइडरमैन नो वे होम की कैप पहने हुए हैं, सभी ने देखी होगी ये इमेज, अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं और अगर एक्टिव हो आप बहुत ज्यादा। तो फाइनली हमें क्या देखने को मिला आगे फ्यूचर में, कि भैया हमारे टॉम हार्डी स्पाइडरमैन नो वे होम में है, और वो भी बात कर रहे हैं नसीम टुल के, यहाँ पर क्या कहते हैं सुपर ह्यूमंस भी है, जो कि आपने एक बंदे का नाम बताया था जो कि उस पर काफी सारे सूट है, और एक बंदा है हरा भरा जिसको कहते हैं हल्क, तो आपने कुछ ऐसा डायलॉग सुना होगा। तो फाइनली भैया टॉम हार्डी भैया हमारे उसमें भी देखने को मिले, और पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें क्या देखने को मिला कि भाई साहब एक सिम्बियोट रह जाता है अर्थ 616 में, यानी कि एमसीयू यूनिवर्स में, और देन हमारे वेनम भाई साहब सोनी यूनिवर्स में दोबारा चले जाते हैं, ये आपने यहां तक देख ही लिया। उसके बाद अब आगे क्या, तो भाई साहब यहीं से ये कंफर्म हो जाती है कि स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम होगा, और वो भी टॉम हॉलैंड का होगा, जिसमें कि टॉम हॉलैंड पर एक सिम्बियोट छड़ेगा, और देन हमें वही स्टोरी दोबारा देखने को मिलेगी जो कि टॉबी मैग्वायर की स्पाइडरमैन मूवी में हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे बहुत कुछ रिवील्ड हुआ है, तो फाइनली द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कंफर्म के लिए, ठीक है, वो हाल फिलहाल अभी ऐसे रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको दो प्रूफ दिए, जिमी फॉक्स का भी और टॉम हार्डी का भी, तीनों चीजों का, और देन इसी तरीके से स्पेंसर ने भी ये चीज कंफर्म कर दी है, और आपको शायद वेनम 3 देखने को मिलेगी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 देखने को मिलेगी, स्पाइडरमैन 4 एक्टिव डेवलपमेंट में है, और स्पाइडर ग्वेन भी देखने को मिलेगी। इस पे एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कि कितना स्पाइडरमैन यूनिवर्स एक्सपेंड होने वाला है और कौन कौन सी सीरीज और मूवीज आने वाली है, सिल्क भी आ रही है अमेजोन प्राइम पर, और भी बहुत कुछ है, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा प्रॉपर। अब यहाँ पे राइटर्स ने एक और चीज कंफर्म करी कि एंडिंग में स्पाइडरमैन और वेनम की भी फाइट होने वाली थी, पर वो भी सोनी ने कमबख्तों ने वो भी हटा दिया सीन, क्यों, क्योंकि उनको हाइप क्रिएट करनी भाई उन्हें, क्योंकि अब स्पाइडरमैन सोनी के अंडर आ चुका है, ठीक है, तो उनके पास भी तो कोई ऐसा हाइप करने वाली चीज होनी चाहिए ना। तो अमेजिंग स्पाइडरमैन, सो वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन, इतनी सारी चीजें वो आगे फ्यूचर में दिखाएंगे। ग्वेन को रिटर्न कर रहे हैं, उसके ऊपर एक सोलो मूवी आ रही है, ब्लैक कैट के ऊपर एक सोलो मूवी आ रही है, राइनो के ऊपर रूमर चल रहा है, केविन हंटर के ऊपर एक मूवी आ रही है, देन उसी के साथ इलेक्ट्रो के ऊपर एक मूवी आ रही है, हाइप बहुत कुछ है, ठीक है, पर वो हाइप क्रिएट करने के लिए सब कुछ उन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं दिखाया, ना टॉबी मैग्वायर का पोस्ट क्रेडिट सीन, ना एंड्रू गारफील्ड का, ना वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन, ना ही उसका पोस्ट क्रेडिट सीन प्रॉपर, सब कुछ पर उन्होंने सिम्बियोट छोड़ दिया, देन यही तो चीजें होती हैं।
तो भाई ये सब कुछ कंफर्म है और आने वाले फ्यूचर में हमें मूवी देखने को मिलेगी। अब काफी लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम तो बात की बात बना रहे हो, पर अगर जो वीडियो इस चीज को देख रहा होगा समझ रहा होगा, और देन अगर आप एजी मीडिया न्यूज के यूट्यूब के इतिहास में देखोगे ना, तो आपको 3-3, 4-4 साल पुरानी वीडियो दिख जाएंगी जिसमें कि मैंने 2 साल पहले ही कुछ चीजें कंफर्म कर दी हैं और 2 साल बाद चीजें वो कंफर्म हो गई थी मूवीज में लोगों ने देखी, और देन मेरे पे कमेंट भी पड़े हैं, पर दिखाने से कोई फायदा नहीं है। जो मुझ पे यकीन करते हैं तो यकीन करते हैं। तो आने वाला टाइम केविन फागी और एमी पास्कल का है, जो कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3, स्पाइडरमैन 4 और आने वाली सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के साथ काम करेंगे। और देन केविन फागी का भाई पूरा आता है, तो कुछ भी ऐसा रिवील नहीं होगा, और ऑफिशियली अनाउंसमेंट तभी अनाउंसमेंट होगी अगर उनको कोई चीज सीक्रेट रखनी है। सोचो यार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एंड्रू गारफील्ड और टॉबी मैकफाई स्पाइडरमैन नो बी होम में, सोचो तब भी इस चीज से वो बहुत हाइप क्रिएट कर सकते थे, पर उन्होंने रिवील नहीं करा। और देन फाइनली आज स्पाइडरमैन नो बी होम वर्ल्ड की नंबर 1 मूवी बन चुकी है 2021 की, ठीक है। देन उसी के साथ अब तक की स्पाइडरमैन की जितनी मूवी रिलीज हुई है उनमें नंबर 1 पर आ चुकी है, सिर्फ इसलिए। तो केविन फाइग भाई कुछ भी कर सकते हैं, वो एंड मोमेंट पे भी कोई चीज रिवील नहीं करने देंगे। और देन अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो फाइनली वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं, और देन मैंने क्लियर कर दिया है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कन्फर्म है। और देन अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके तो आपको एक चीज और दिखाता हूँ कि आपने स्पाइडरमैन सीरीज देखी होगी पुरानी वाली, ठीक है, मैंने भी देखी, हिंदी में रिलीज हुई थी ये, और ये शायद जेटएक्स पे आती थी या फिर शायद डिज्नी पर आती थी, डिज्नी का एक पुराना चैनल आता था। तो यहाँ पर स्पाइडरमैन का जो क्लासिक पोज है बैठने का, वो टॉबी मैकफाई उसी क्लासिक पोज में बैठे, और देन ये मेरे को अभी पता चला, मैंने खुद ध्यान नहीं दिया था, देन बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा है मुझे तो। देन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और देन उसी के साथ अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना, और देन दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।